वेलकम बैक टू माय द वीडियो। माय नेम इज मुरादाबादी। तो मुरादाबाद में शो हुआ था अलीशा पांडे जी का, हर शंभू जिसने गाना गाया था। तो उनकी पब्लिक वहाँ देखते देखते 1.5 लाख लोग आ चुके थे उनके शो में, और छोटी जगह थी, काली माता मंदिर पे शो हुआ था। और मुरादाबाद में इससे ज़्यादा कभी मैंने भीड़ किसी शो में भी नहीं देखी। जो अलीशा पांडे जी की फैन फॉलोइंग देख के मैं भी दंग था उस दिन कि कैसे शो हुआ था। मतलब पतली सी गली थी और स्टेज से उनकी गाड़ी तक उन्हें आने में कम से कम 1.5 हज़ार लोगों ने उन्हें घेर रखा था, और कुल 4-5 बाउंसर उन्हें निकालने में लगे हुए थे। लग जाएगी, आप पूरी वीडियो देखना अगर आपको इंटरेस्टेड हो इसमें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ से कॉमेंट जरूर करके जाना। मैम को एंट्री करते हुए तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आप देख सकते हो यहाँ इतनी भीड़ भी नहीं थी, और किसी लोगों को पता भी नहीं था किसी बंदे को कि मैम एंट्री ले रही हैं। तो एंट्री लेते हुए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैम के साथ सिर्फ 4-5 ही बॉडी गार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, और पुलिस वाले हैं बाकी सब। तो अब देखिए मैम यहाँ पे स्टेज पे आ गई थी, और स्टेज पे आने से पहले मैम को कितने सारे लोगों ने जो है घेर लिया था। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी मैम को स्टेज के ऊपर चढ़ाने में, पर जैसे तैसे बाउंसर लोगों ने ऊपर चढ़ा दिया है। देख सकते हैं बाउंसर कैसे भीड़ रोके हुए हैं, 5 बाउंसर थे और मैम ऊपर चढ़ गई। तो पहले मैम ने शो करा, और अब आपको दिखाता हूँ सीधे लास्ट के लिए, वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप स्टेज पे से लगा सकते हैं, आप सामने देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ऑडियंस है, कितनी ज़्यादा भीड़ हो सकती है। तो सुपर वाइड एंगल मैंने डाल रखा है इस समय अपने गोप्रो में, और एक बार भीड़ देखिए आप, और अभी मैं खड़ा हूँ स्टेज पे जस्ट। तो एंजॉय करिए और दिखाता हूँ आपको भीड़ एंड का सीन। पुलिस वाले भी भाई बैठा ले, पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल है, पेड़ों पर चढ़ चढ़ के शो देखने आ रखे भाई, क्या हो रहा है? भीड़ देखो, हो क्या रहा है, क्या हुआ है? आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैम को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा एक स्टेज से अपनी कार तक आने में। मैम को कितने ज़्यादा लोगों ने जो घेर रखा था, पतली सी गली थी, और जहाँ शो हो रहा था वहाँ से कालिका मंदिर था करीब 1/2 किलोमीटर दूर होगा वहाँ से, तो वहाँ तक पूरी गली थी, एक पूरी गली टमाटम भरी हुई थी भाई साहब। मैम को निकालना मुश्किल हो गया था, 5-6 बाउंसर थे और पुलिस वाले थे जैसे तैसे नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई हो। मेरे पास था वीडियो, मैंने सोचा कि आप लोगों को मुझे ये वीडियो डालनी चाहिए अपने YouTube चैनल पे आप लोग। और मैम की फैन फॉलोइंग देख के मैं खुश शौक था कि इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा लोग आ गए थे। रेणुका पवार जब आई थी मुरादाबाद में तो काफ़ी लोग को पता भी नहीं था कि वो रेणुका पवार जी आ रही हैं मुरादाबाद में। उनका शो है TDI सिटी में, शो था रामगढ़ बिहार में उनका,
तो बाकी आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक करें, चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 7000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है हम। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार हो गया, लव यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।